माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी, श्री गोपाल राय जी, श्री रत्नेश जी, राठी जी तथा अन्य आम आदमी पार्टी में मुझे चाहने वाले मेरे समर्थक तथा दिल्ली की तमाम दलित जनता जो मेरे साथ इस कड़कती धूप में आई है, मैं उन सबका तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ। तालियां, तालियां। और मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए मैं और मेरा दलित समाज अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूँ कि मेरे जैसे आदमी को एक बार पुनः चांस उन्होंने दिया है। दोस्तों, आपको याद होगा कि 2013 में मेरी पत्नी को, बीना आनंद को, पटेल नगर से श्री केजरीवाल जी ने घर बुलाकर, यहाँ तक कि आर्थिक मदद भी करके उन्होंने चुनाव लड़वाया था। लेकिन कुछ लोगों के चलते या कुछ कन्फ्यूजन्स के होते अगली बार टिकट उनको नहीं मिल पाया। और मैं चूंकि राजनीति में दखल नहीं देता था, हालांकि मैं राजनीति शास्त्र का छात्र रहा हूं, राजनीति पर मैं हमेशा ध्यान रखता रहा, लेकिन मेरे पास समय नहीं था क्योंकि मेरे बच्चे छोटे थे। अब मेरे बच्चों की, दोनों बच्चों की शादी हो चुकी है, अब मैं शायद अपने समाज को समय दे पाऊंगा। तो इस संदर्भ में मैं सबसे पहले तो अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी से विनयपूर्वक क्षमा चाहता हूं 2013 के लिए कि हमसे जो भी गलती हुई हो उसमें हमें क्षमा करें। और अब हम, मैं और मेरी पत्नी, दोबारा आम आदमी पार्टी, जो हमारी आइडियोलॉजी की पार्टी है, उसे दोबारा ज्वाइन कर रहे हैं। अब क्यों हमारी आइडियोलॉजी की पार्टी है? क्योंकि राजनीति के साथ मैंने इतिहास भी पढ़ा है। ज़्यादा लंबा ना करते हुए, जब आज़ादी की लड़ाई हो रही थी तो उसमें तीन चार जो विचारधाराएं थी, उसमें गांधी नेहरू की एक विचारधारा थी, एक विचारधारा क्रांतिकारियों की थी, ये मैंने इतिहास में पढ़ा कम सुना ज़्यादा है, लेकिन ये सच है। एक विचारधारा थी लेफ्टिस्टों की और सोशलिस्टों की, और एक विचारधारा थी जो डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की, एक और विचारधारा थी जिनका, ये जो चार विचारधाराएं मैंने पहले बताई, इनका आज़ादी की लड़ाई में पूरा योगदान था। और इनका सपना था कि जिस दिन भारत आज़ाद हो उस दिन ये आगे की तरफ जाए, ये भारत तरक्की करे। लेकिन एक पांचवी विचारधारा थी, और वो विचारधारा कौन सी थी? वो विचारधारा थी आरएसएस की विचारधारा, हिंदू महासभा की विचारधारा। वो विचारधारा क्या चाहती थी? कि जिस दिन ये देश आज़ाद हो ये पीछे की तरफ जाए, और ये वहां ले जाए जहां वेद होते थे, जहां गुरुकुल होते थे, जहां कोई नीची जाति का आदमी शिक्षा लेने जाता था तो उसके हाथ काट दिए जाते थे ग्लब की तरह। और अब बड़ा दुर्भाग्य है कि देश में ऐसी पार्टियां येन केन प्रकरण करके आज इस देश पर शासन कर रही हैं। लेकिन इसको छोटा करके मैं बताता हूं कि दिल्ली सरकार एक ऐसी सरकार रही जिसने गरीबों को, मजलूमों को, बहुजनों को शिक्षा का अधिकार दिया। जो सरकारी स्कूल सदियों से जर्जर अवस्था में थे, हमारे गरीब भाइयों बहनों के बच्चे स्कूल जाने से कतराते थे,
वो स्कूल जाने के नाम पर छोटा मोटा नौकरी कूड़ा बेलना ये सब चीजें करना पसंद करते थे, वो आज स्कूल जाने में फक्र महसूस करते हैं। वो किसकी वजह से? हमारे मुख्यमंत्री और हमारे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी की वजह से, दिल्ली सरकार की वजह से, उनकी नीतियों की वजह से, उनके भ्रष्टाचार विरोधी नीतियों की वजह से। तो ये क्या है? ये डॉक्टर अंबेडकर का संविधान का पहला सूत्र है शिक्षा, जिसको लेकर ये सरकार चल रही है। जब अन्ना आंदोलन हुआ था मैं एक चीज वॉच करता रहता था, चाहे मैं राजनीति में पार्टिसिपेट नहीं करता था। अन्ना आंदोलन इस देश की राजनीति को बदलने वाला एक दिन था, एक पल था, एक फेस था। लेकिन मुझे सबसे बड़ी खुशी हुई थी जिस दिन अरविंद केजरीवाल ने खड़े होकर कहा था कि हम राजनीतिक पार्टी बनाएंगे, क्योंकि राजनीति बदलेगी तभी देश बदलेगा। और ये मैं मानता हूं और आपको भी ये मानना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया में प्रोसीजनल डेमोक्रेसी है। हजारों करोड़ रुपया लगाकर चुनाव आयोग आपको बुलाता है, आओ भैया, आओ बहुजन, आओ ये फलाने, आओ अमुक, वोट जरूर डालना, वोट डालना आपका अधिकार है। अरे आपका अधिकार नहीं है वोट डालना, आपका कर्तव्य है वोट डालना, और वोट डालकर सरकार से जवाब मांगना ये आपका अधिकार है। उल्टा सिखाते हैं ये लोग आपको, लेकिन हमारी दिल्ली सरकार करके दिखाती है। मैं बहुत ज्यादा समय आप लोगों का नहीं लूंगा। बहुजनों के लिए बहुत सारी योजनाएं दिल्ली सरकार ने दी हैं। शिक्षा के बारे में मेरे ख्याल दिल्ली का बच्चा बच्चा जानता है, दिल्ली का बच्चा शिक्षा के बारे में जानता है। 2013 में पहले सत्र में लोगों ने पानी और बिजली का ऑलमोस्ट मुफ्त कर दिया था कि नहीं कर दिया था, ठीक है। उसके बाद भीम विकास प्रतिभा योजना आप लोगों के लिए दी। उसके बाद 12वीं से ऊपर के बच्चों को कोचिंग सेंटर्स खुलवाए, उसके ऊपर की शिक्षा के लिए आईएएस के लिए वो कोचिंग की मुफ्त शिक्षा कराई गई, 10 लाख रुपए तक का लोन दिलवाने की व्यवस्था कराई गई। कहना आसान है, बाकी सरकारें क्या करेंगी? आपको पता है मोदी जी एक दिन क्या करेंगे आपके लिए, बहुजनों के लिए? मैं इस मंच के माध्यम से आप लोगों को समझाता हूँ, सॉरी समझा तो पाऊंगा नहीं, बताना चाहूंगा कि मोदी जी एक दिन डॉक्टर अंबेडकर को भगवान बना देंगे। या मेरी बात लिख लीजिए, वो इतनी मूर्ति, क्योंकि वो सक्षम है, देश है उनके पास, वो इतने संग्रहालय, इतनी मूर्तियां बना देंगे, डॉक्टर अंबेडकर को भगवान बना देंगे। वो चाहते हैं कि अंबेडकर की पूजा होने लगे इस देश में, ताकि उनकी कही हुई शिक्षा आप भूल जाएं। आपके घर में जो 4 मूर्तियां रखी हैं, उसमें एक छोटी सी मूर्ति बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की भी लग जाए, इससे आपका कोई भला नहीं होगा। क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर तो पूजा के हमेशा खिलाफ थे, उन्होंने कभी नहीं कहा कि मेरी पूजा करो, और वो चाहते ही हैं। हमारे केजरीवाल साहब ने पिछले 14 अप्रैल पर एक भाषण दिया था, उसमें कहा था, मनीष सिसोदिया जी पिछली बार गए थे एक किसी कॉन्फ्रेंस में शिक्षा की में, जिसमें स्मृति ईरानी ने लिया था, मतलब मीटिंग ली थी, उसमें वीर सावरकर, जिनका मैंने अभी बताया कि जिनका आज़ादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं था, उनका एक चैप्टर एनसीईआरटी की किताबों में बीजेपी जोड़ने का प्रयास कर रही है, तो मनीष जी ने इसका विरोध किया, स्मृति जी ने मीटिंग जल्दी से ख़त्म कर दी। तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया 14 अप्रैल को कि वो वीर सावरकर उन्हें पढ़ाने दो, मैं दिल्ली सरकार में डॉक्टर अंबेडकर का चैप्टर लगवा कर वो पढ़ाऊंगा। तो मैं
आप सबकी तरफ से, पूरी दिल्ली के दलित समाज की तरफ से उनका किया हुआ वायदा विनम्रता पूर्वक याद दिलाना चाहूंगा। और मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जो एक कार्यकर्ता की तरह से अगर वो मुझे इस पार्टी में लेते हैं तो मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात होगी। इसलिए नहीं, इसलिए क्योंकि आम आदमी पार्टी नेताओं की पार्टी नहीं है, आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। ये पार्टी कार्यकर्ताओं से चलती है। जितना मजबूत यहाँ पर कार्यकर्ता होगा उतनी मजबूत ये पार्टी होती जाएगी। तो कभी ये मत सोचिए कि ये पार्टी अरविंद केजरीवाल की पार्टी है, ये पार्टी आपकी पार्टी है, ये पार्टी आम आदमी की पार्टी है। तो मैं एक कार्यकर्ता के रूप में अगर मुझे ये सम्मान हमारे मुख्यमंत्री देते हैं तो मेरे लिए ये सौभाग्य रहेगा और पद नहीं परीक्षा रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विनम्र प्रार्थना करूंगा अपने माननीय श्री अरविंद केजरीवाल। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।